नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तरत परवीन। बिहार का अंतिम चरण का चुनाव समाप्त होने से पहले तेजस्वी और राहुल मिलकर 1 जून के बाद चुनाव के परिणाम का विश्लेषण करते हुए कि जीतने के बाद किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी और सीट कम होने पर अन्य दलों से किस तरह तालमेल की जाएगी, 4 जून के बाद किस तरह सत्ता में आया जाए, इसी मुद्दे पर मटन खाने के बहाने चर्चा हुई। बिहार की राजनीति में कितना सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगा, इस पर भी चर्चा हुई। वहीं मीसा भारती इस बार पटना से चुनाव लड़ रही हैं, जो 1 जून को होना है। इसी चुनाव प्रचार को लेकर राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। देखिए एक रिपोर्ट। 7वें चरण के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनावी सभा के लिए बिहार पहुंचे। सभा के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ बैठकर लंच किया। दोनों ने मिलकर मटन का स्वाद चखा। इसके बाद राहुल गांधी ने यह कह दिया कि अब उनकी बारी। वहीं इस दौरान दोनों नेता आपसी चर्चा के दौरान भाजपा पर जमकर हमला करते नजर आए। चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ, चट्टाना वाला रिजल्ट आएगा, लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर केन था, मिल के बारे में बात की, मैदान चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली बिल्कुल बिना झिझक के कम्फर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मतलब आप फिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप रीजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता मीडिया में पूरा। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में 4 जनसभा की है और उसमें 4 संदेश दिए। इस बार बहुत अधिक आलोचना अवहेलना से परे राहुल ने साफ गोई से अपनी बातें की, वादे गिनाए तो उसे पूरा करने का आधार भी बताया, यह भी कि ये चुनावी वादे नहीं बल्कि जन अपेक्षाएं हैं। भारत छोड़ो यात्रा व न्याय यात्रा के दौरान जन संवाद में जो अपेक्षाएं जताई गई, उन्हें ही 5 न्याय व 5 गारंटियों के रूप में संकल्पित किया गया है। वहीं सभा के बाद उन्होंने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती के साथ लंच किया। क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का बहुत अलग है। यूथ में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एग्रेसिव है वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं, इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग जो एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सब हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आगे बोलते हैं, दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर खत्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीजों पे आप लोग सब ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल को भागलपुर की पहली जनसभा के बाद राहुल की 3 जनसभाएं 27 मई को हुई। ये दोनों जनसभाएं उन संसदीय क्षेत्रों में हुई जो कांग्रेस व सहयोगी दलों के लिए अरसे से अभेद्य रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में भी चुनावी सभाएं कर राहुल ने संघर्ष और साहस का परिचय दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।